हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनएकेडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनएकेडमी यूजीसी नेट में। सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को गुड इवनिंग। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं 2018 का एनटीए का पेपर। पार्ट वन है आज हमारा, 1 to 20 क्वेश्चंस हैं, उनको हम सोल्व करेंगे विद शॉर्ट नोट्स। हर क्वेश्चन के साथ में आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, जिससे कि आपको रिविजन में भी उनसे हेल्प मिले। यानी कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा उसको भी हम साथ के साथ में कवर अप करेंगे। कॉन्सेप्ट भी कवर हम करने वाले हैं साथ के साथ। तो अभी जो करने वाले हैं गाइस, वो आपका 2018 का जो दिसंबर वाला आपका जो पेपर हुआ था उसको हम करेंगे। ये आपका शिफ्ट वन का पेपर है, आपका शिफ्ट वन। तो एक बार आप सब लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। फटाफट से एक बार आप सब लोग इस सेशन को लाइक करें और एक बार शेयर कीजिए। सब लोग एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार आप सब लोग इसको शेयर भी कीजिए। चलो जी, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में गाइज ये मेरा शेड्यूल है जो कि थ्रू आउट द वीक आपका चलता है। 7:30 बजे आपका पेपर टू का स्पेशल क्लास होता है एंड शाम को 4 बजे आपका पेपर वन का स्पेशल क्लास होता है। इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी का अनलॉक कोड है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अनलॉक कोड है मेरा शिव10, और इस कोड को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो अनअकैडमी की फ्री क्लासेस एंड पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद में ये प्रोफाइल है मेरा, अगर आपने फॉलो नहीं किया अनअकैडमी पे, यहां से मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं। इसके बाद में हर एक क्लास के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। देन गाइज, अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो रेफरल कोड है मेरा शिव10, इस कोड को अप्लाई कीजिए, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन कंप्लीट पेपर वन एंड पेपर टू दोनों आपके इसमें तैयार है, जिसमें पेपर वन का ऑलरेडी आपका ऑनगोइंग कोर्स है, अभी चल रहा है। पेपर टू का कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं सून, आपका लॉन्च होने वाला है वेरी सून। तो जिसको भी पढ़ना है प्लस पे, कंप्लीट आपको सिलेबस करना है, सेलेक्शन के लिए पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये आपके प्लान है, प्लस के प्लान है। फॉर एग्जांपल आपकी फ़ीस है 24 मंथ की 20,000, रेफरल कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपकी फ़ीस हो जाएगी यहाँ से 18,000, प्लस आपके जो क्रेडिट्स हैं उनका भी आपको डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ से और भी आपकी कम हो जाएगी फ़ीस। आइकॉनिक भी ज्वाइन कर सकते हैं, 24 मंथ, 12 मंथ एंड 6 मंथ, रेफरल कोड है आपका शिव10। जैसे आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से भी इंस्टेंट 10% डिस्काउंट है, वो आपको मिल जाएगा और आपकी फ़ीस हो जाएगी 23,426 से। ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको प्लस एंड आइकॉनिक में मिलते हैं, जैसे कि आपका पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये आपको करवाई जाती है। ये बैच कोर्सेज हैं जो कि आपके कल से स्टार्ट होने वाले हैं। हर वेडनेसडे को नया बैच स्टार्ट होता है, तो कल से भी आपके जो बैच कोर्सेज हैं वो स्टार्ट होंगे, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अभी आपके पास में ऑफर है, 6 मंथ के साथ 2 मंथ का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा एंड 12 मंथ के साथ में भी 2 मंथ का आपको एक्स्ट्रा मिलता है, और ये प्लान आपका 31 अगस्त तक वैलिड है, तो जितना जो जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं सेशन को। एवरीवन तैयार है सब लोग? एक बार आप सब लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज शेयर एंड लाइक द सेशन। फटाफट से एक बार लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि और लोग भी हमसे जुड़ पाएं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन। चलो आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मीसोलिथिक साइट्स हैव एक्सपोज्ड बरियल्स विद स्केलेटन ऑफ वेरी टॉल, बताइए। आदमगढ़ से मिला है, भीमबेटका से मिला है, महादड़ा से मिला है, या सराय नाहर राय से मिला है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। आपके पास में 15 सेकेंड है और 15 सेकेंड में आपको आंसर इसका देना है। निम्न में से किस मध्य पाषाण काल के स्थल में से आपको जो टोल यानी ऊंचे कंकाल के साथ कब्रें मिली हैं, करेक्ट आंसर बताना है। आदमगढ़ से, भीमबेटका से, महादड़ा से, सराय नाहर राय से। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नाउ
वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो सही आंसर होगा गाइस वो है आपका 4। ठीक है, कहां कहां से मिला है आपको? महादड़ा और सराय नहाराय, यहां से आपको टोल ह्यूमन स्कल्टन मिला है, यानी मानव कंकाल मिला है, ह्यूमन स्कल्टन यानी बड़ा मानव कंकाल है आपको मिला है यहां से। अब इनकी लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं, ये इनकी लोकेशन देखिए सब लोग, ये है आपका सराय नहाराय और यहां के इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर है आपका महादड़ा, तो ये दो लोकेशन है, प्लीज इनको देख लीजिए सब लोग। जो 12 नंबर पे है वो है आपका महादड़ा, ये ऊपर वाली लोकेशन ये महादड़ा है और नीचे है आपका सराय नहाराय। तो इनको आपको याद रखना है, यहां से आपको क्या मिले हैं? मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, बड़े मानव कंकाल के अवशेष, कंकाल के अवशेष। मानव कंकाल के अवशेष। चलो जी, तो इसको याद रखिए सब लोग, भूलना नहीं है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इल कैमल बोल्स, कौन सी हड़प्पन साइट से आपको ऊंट की हड्डियां मिली हैं? कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से या मोहनजोदड़ो से? 15 सेकंड बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इल कैमल बोन्स, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या मोहनजोदड़ो? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इल कैमल बोन्स, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या मोहनजोदड़ो? सो आंसर आना शुरू हो चुके हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल इसका ए आंसर कर रहे हैं। एंड द वेरी करेक्ट आंसर, इसका जो सही आंसर है आपका कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा से आपको कैमल बोन के अवशेष आपको मिले हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। और आपको सबको पता है गाइस, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। ठीक है, ऊंट क्या है? रेगिस्तान रेगिस्तान का जहाज किसको बोला जाता है? ऊंट को बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है ऊंट आपके राजस्थान वाली एरिया में मिलते हैं। ठीक है, अब कालीबंगा जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? ये आपकी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान का, और यहाँ पे घग्गर रिवर है आपकी, घग्गर रिवर के किनारे आपको ये मिला है कालीबंगा की साइट। सबको याद रख लेना सब लोग और भूलना नहीं। नेक्स्ट, ठीक है, अब जो कालीबंगा है गाइज मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। तो हड़प्पा के बारे में सबको पता है गाइज, हड़प्पन एक फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है साउथ एशिया की, और इसमें तीन फेज होते हैं आपके, एक तो अर्ली, एक मेच्योर, एक लेटर हड़प्पा, ये तीनों के पीरियड आपको दिए हैं। उसके बाद में हमें सिर्फ कालीबंगा के बारे में पढ़ना है। कालीबंगा आपका हनुमानगढ़ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि घग्गर रिवर के किनारे है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि जूता हुआ खेत मिला है ना, फायर अल्टार मिले हैं आपको, ऊंट की हड्डियाँ मिली हैं, और आपको सर्कुलर
और रेक्टेंगुलर क्या मिले हैं, ग्रेवियार्ड मिले हैं, ग्रेव्स मिली हैं आपको, यानी आपको सवादान मिले हैं यहाँ से। तो प्लीज़ इस सबको याद रखिए, आप भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। द लोकेशन ऑफ द वैदिक रिवर सरस्वती इज इंडिकेटेड बाई इट्स मेंशन इन द नदी सूक्ति, नदी सूक्त ऑफ द ऋग्वेदिक बिटवीन गंगा एंड यमुना, यमुना एंड सतुधरी, सतुधरी एंड अश्किनी, अश्किनी एंड विताश्ता। आंसर दिस क्वेश्चन, एवरीवन आंसर दीजिए इसका। करेक्ट आंसर क्या होगा? द लोकेशन ऑफ द वैदिक रिवर सरस्वती इज इंडिकेटेड बाय इट्स मेंशन इन द नदी सूक्त, सूक्ता ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड, गंगा एंड यमुना, यमुना एंड सतुधरी, सतुधरी एंड अश्किनी, अश्किनी एंड वितास्ता। 15 सेकेंड, करेक्ट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? मोस्ट ऑफ द पीपल इसका आंसर दे रहे हैं बी, एंड द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो सही आंसर है वो बी ही है गाइस, आपका यमुना एंड सतुदरी। तो यमुना एंड सतुदरी जो रिवर है गाइस, वो किस किस के बीच में है, और वो उसके बीच में कौन सी रिवर है आपकी, सरस्वती, जो कि ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी में से मानी जाती है गई, सरस्वती नदी है ना। तो किस किस के बीच की नदी है ये, यमुना एंड सतलज, सरस्वती यमुना सतलज के बीच में आपकी बहती है, तो इसको सब लोग याद रख लीजिएगा। अब लास्ट ईयर भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2018 का है जैसा कि आप सबको पता है, ऐसा ही क्वेश्चन गाइस 2020 में भी आपसे पूछा गया था, 2020 में भी, ठीक है। तो दोनों का आप सब लोग याद रख लेना है। सो द करेक्ट आंसर इज टू, टू इज द करेक्ट आंसर, इतना करेक्ट है गाइज। मुझे बहुत कम लोग दिख रहे हैं अभी, एक बार आप सब लोग इस सेशन को शेयर करो फटाफट से, एवरीवन प्लीज शेयर द सेशन, फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए सब लोग, जल्दी से जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि काफी कम लोग हैं जो मुझे दिख रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट भी नहीं है क्लास में ना, तो एक बार शेयर करें जिससे कि सब लोग जुड़ पाए हमसे। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द अकाउंट ऑफ द ग्रेट फ्लड इन विच डिवाइन फिश हैज बीन डिस्क्राइब एज रेस्क्यूइंग मनु, महाप्रलय का वरदान जिसमें एक दिव्य मछली को मनु को बचाने वाला बताया गया था। 15 सेकेंड, ऋग्वेद में, वाजसेनी संहिता में, शतपत ब्राह्मण में, या ऐतरीय ब्राह्मण में, करेक्ट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। द अकाउंट ऑफ द ग्रेट फ्लड इन विच अ डिवाइन फिश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज रेस्क्यूइंग मनु, महाप्रलय का वृतांत जिसमें एक दिव्य मछली को मनु को बचाने वाला बताया गया है। नाउ द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 3, यानी शतपथ ब्राह्मण में, कहां पे बताया गया है, शतपथ ब्राह्मण में। में बचाया गया है गाइस, ठीक है। तो प्लीज इसको सब लोग याद रखिए, भूलना नहीं है। So, 3 is the correct answer. Okay? इसको नोट डाउन कर लीजिए। एंड गाइस थोड़ा सा हम क्वेश्चन को फास्ट करते हैं, है ना, थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं क्वेश्चन को, जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएं। एक्सप्लेनेशन का आप सब लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ, एवरीवन
आप सब लोग एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट लेते जाइए और क्लास के बाद में इस एक्सप्लेनेशन को दोबारा से आप सबको देखना है, ओके? जिससे कि हम ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे और आपका भी फायदा होगा। देखो टाइम बहुत कम है हमारे पास में, अगर हम एक ही क्वेश्चन में अटके रहेंगे तो फिर आपका फायदा नहीं होगा उसमें। तो बेस्ट क्या होगा, जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि आप स्क्रीनशॉट से काम चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, उसका आप सब लोग स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ साथ में। नेक्स्ट, चलो एक चीज और याद रखना है, यहां पे ये जो फिश है, फिश इसको हम मत्स्य भगवान भी बोलते हैं, मत्स्य भगवान। और ये फिश है गाइज, ये विष्णु का अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार। तो इसको भी सब लोग याद रखिए, है ना, विष्णु के 10 अवतार हैं, 10 अवतार में से एक आपका मत्स्य अवतार भी है विष्णु का, तो इसको भी आप सब लोग को याद रखना है गाइस, ठीक है? तो ये क्या है आपकी, ये कथाएं हैं, पहले की पौराणिक कथाएं हैं, उसमें ये बताया गया है कि जो फिश होती है वो मनु को बताती है, बचाती है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, इतिहास पुराण हैज बीन मेंशन एज अ फिफ्थ वेदा इन, इतिहास पुराण का उल्लेख पंचम वेद के रूप में किया गया है, किसमें किया गया है? ऐतरेय उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, या श्वेताश्वरा उपनिषद में? पंद्रह सेकेंड। इतिहास पुराण हैज बीन मेंशन एज द फिफ्थ वेदा इन ऐतरेय ब्राह्मण उपनिषद, सॉरी बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, या श्वेताश्वरा उपनिषद? 1, 2 एंड 3 या 4, सही उत्तर दीजिए इसका, करेक्ट आंसर क्या होगा? सो द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो सही आंसर है गाइस वो है आपका 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें इसका उल्लेख है, वो किया गया है, तो इसको भी आप सब लोग याद रखें और भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, है ना। इतिहास पुराण को फिफ्थ वेद किस में बोला गया है? बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है? चलो नाउ नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, विच उपनिषद डिस्क्राइब्स द फिलोसॉफिकल डायलॉग बिटवीन द याज्ञवल्क्य एंड मैत्री, याज्ञवल्क्य और मैत्री के बीच दार्शनिक संवाद का वर्णन कहां पे होता है? बृहदारण्यक, श्वेताश्वरा, छंदोग्य और कोसी, ताकि बताइए किसमें इसका उल्लेख किया गया है? आपके पास में सिर्फ 10 सेकेंड है एंड 10 सेकेंड में यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। विच उपनिषद डिस्क्राइब्स द फिलोसॉफिकल डायलॉग बिटवीन द याज्ञवल्क्य एंड मैत्री, बृहदारण्यक, श्वेताश्वरा, छंदोग्य या कोसिता की ब्रह्म? एंड इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो आपका ए ही है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में इनका डायलॉग दिया गया है, ठीक है? क्वेश्चन 5 में कंफ्यूज हूं सर, कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो भी आपका बृहदारण्यक उपनिषद ही है,
ठीक है, उसका आंसर भी आपका बृहदारण्यक उपनिषद है और इसका आंसर भी बृहदारण्यक है। अब गाइज यहाँ पे एक समझना है, यहाँ पे जो याज्ञवल्क्य हैं उनकी वाइफ है मैत्री, दोनों के बीच में एक क्या है, एक बहुत ही फिलोसॉफिकल एक डायलॉग है जिसका उल्लेख इस उपनिषद में किया गया है गाइस। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा गाइस। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, चलो क्लियर है। नेक्स्ट असर्जन है आपका और रीजन है। गौतम बुद्धा बिलीव इन रीबर्थ, फर्स्ट ही डिड नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द परमानेंट सोल। ठीक है, आपको बताने की सही आंसर क्या होगा इसका। पंद्रह सेकंड है आपके पास में, 15 सेकंड में आंसर दीजिए। असर्जन है और रीजन है आप, आंसर बताओ। गौतम बुद्ध बिलीव्ड इन रीबर्थ, रीजन क्या दिया है, ही डिड नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द परमानेंट सोल। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एंड द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो सही आंसर है गाइज वो क्या है आपका, ए। ठीक है, तो देखो जो महात्मा बुद्ध है, गौतम बुद्ध है गाइस, है ना, वो ब्री बर्थ में विश्वास करते हैं, तभी तो हम पढ़ते हैं बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बोधि सत्वा का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। He did not accept the existence of the permanent soul. उन्होंने जो आत्मा है ना, उन्होंने बोला कि इसका क्या होता है, ट्रांसमाइग्रेशन होता है गाइस। ठीक है, यानी ट्रांस माइग्रेशन ये बोला है। ठीक है, अब गाइस यहां पे क्या है कि अगर रीबर्थ में विश्वास करेंगे इसका मतलब तो है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, यानी सोल है वो परमानेंट नहीं है गाइस। क्लियर एवरीवन? तो आंसर इज ए, ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज ए। ए इज द करेक्ट आंसर। देखो जो बोध है वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, यानी साइकिल ऑफ डेथ। ठीक है, अब साइकिल ऑफ डेथ है इसका मतलब क्या है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, माइग्रेशन ऑफ सोल, इसका मतलब क्या हुआ कि नो परमानेंट सोल। इसका मतलब क्या हुआ, नो परमानेंट सोल। सो द करेक्ट आंसर इज ए। और ये सारे के सारे आंसर गाइज एनटीए की ऑफिशियल की के आंसर हैं, ये ऑफिशियल की के आंसर्स हैं। एवरीवन प्लीज कंफ्यूज मत होइए, आंसर ऑफिशियल की के आंसर हैं, ए इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, काफी लोग बोल रहे हैं कि इसका तो टू होना चाहिए, बी होना चाहिए सर। नहीं, बी नहीं है, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए। नेक्स्ट, इन श्रावस्ती मखाली गोशा यूजुअली स्टेट एट द वर्क्स ऑफ द लेडी हाला हाला हु बिलोंग टू द कम्युनिटी ऑफ कोटर्स, कारपेंटर है ये, गोल्ड स्मिथ या आयरन स्मिथ, लोहार। बताइए, 15 सेकंड है आपके पास में, 15 सेकंड में आंसर दीजिए। इंसरावस्ती मखोला गोशा यूजुअली स्टेट एट द वर्कशॉप ऑफ द लेडी हाला हाला हु बिलोंग टू द कम्युनिटी ऑफ पोटर्स, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ या आयरन स्मिथ। आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, ठीक है। वो एक कुम्हार के घर वो रुकते थे, यानी पोटर्स हाउस, ठीक है। और जब हम मखाली गोशा की बात करते हैं तो ये क्या है, इन्होंने आजीविक सेक्ट है उसका फाउंडेशन किया था। मखाली गोशाला की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने आजीविक सेक्ट का फाउंडेशन किया था, उसके ये फाउंडर रहे हैं गाइस, आजीविक सेक्ट। इसको जरूर आप सब लोग याद रखिए। पहले गाइस जो मखाली गोशा है ये महावीर स्वामी के कंपेनियन रहे हैं, फिर दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, बाद में ये अपना एक अलग से सेक्ट है, उसको फॉर्म कर लेते हैं गाइस, अलग से समुदाय है उसकी स्थापना करते हैं आजीविक सेक्ट के, जो कि किस में विश्वास करता है, जो कि नियति में विश्वास करता है, ठीक है, फेट में विश्वास करता है, ठीक है, फेट में विश्वास करता है कि जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, ठीक है। तो ये नियति में विश्वास करते हैं, है ना। और अशोक ने आजीविक सेक्ट को 12 बार केव्स हैं वो गिफ्ट भी की थी, आप सबका आपको पता है। और बिंदुसार हैं वो इसी के क्या है, उपासक रहे हैं। तो इन सबको आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी सारी चीज मैंने बता दी, महावीर स्वामी और ये दोनों फ्रेंड भी रहे हैं, बाद में इनका थोड़ा सा मनमुटाव होता है तो ये अलग हो जाते हैं गाइस, ठीक है। एक चीज और याद रखना है गाइस आप सबको, बोध स्रोत के अनुसार, बोध स्रोत के अनुसार इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो कोई और माने जाते हैं, नंदा बच्चन। आजीविक सेक्ट के जो फाउंडर माने जाते हैं बौद्ध साहित्य के अनुसार वो नंद वाचा माने जाते हैं, तो इसको भी आप सब लोग याद रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, कथीना सेरेमनी ऑफ द बुद्धिस्ट संघ वाज रिलेटेड टू, बताइए करेक्ट आंसर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोब्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्शिप ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। 15 सेकंड और आंसर दीजिए सब लोग। कथीना सेरेमनी ऑफ बुद्धिस्ट संगा वाज रिलेटेड, बौद्ध संघ का कथीना समारोह किससे संबंधित है, एंड द करेक्ट आंसर इज ए। बिल्कुल सही बात है गाइस, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोफ वस्त्रों के वितरण से संबंधित है,
वस्त्रों के वितरण से संबंधित है गाइस, है ना। जो कथीना सेरेमनी है वो किससे रिलेटेड है, वस्त्रों के वितरण से। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज रूल्ड बाई टू किंग्स विद द काउंसिल ऑफ एल्डर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन इन इंडिया, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज रूल्ड बाई द टू किंग्स विद अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन इन इंडिया। 10 सेकेंड आपके पास में, 10 सेकेंड में आंसर कीजिए सब लोग। शुद्रका, पटाला, सिबि या सौभूति। शुद्रक, पटाला, सिबि या सौभूति, ए 1, 2, 3 या 4। एंड द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो सही उत्तर है गाइज वो है आपका 2, पटाला। ठीक है, अभी पटाला कहां पे है गाइज, ये पाकिस्तान में है आपकी। पटाला जो शहर है ये कहां पे है, ये पाकिस्तान में है गाइज, उसको जरूर याद रखना है। तो ठीक है, इसको याद रखिए सब लोग। नेक्स्ट, अशोका कंटेम्पररी फॉरेन किंग तोरामाया वाज द रूलर ऑफ, तोरामाया वाज द रूलर ऑफ, कहां के शासक थे। तोरामाया है जो अशोक के समकालीन थे, कहां के शासक थे, सिरेन के, इजिप्ट के, एपिरस के या सीरिया के। सिर्फ 10 सेकेंड आपके पास में, थोड़ा सा जल्दी कीजिए गाइस, जितना आप जल्दी करेंगे उतने क्वेश्चन हम कंप्लीट कर पाएंगे। अशोकास कंटेम्पररी फॉरेन किंग तोरामाया वाज द रूलर ऑफ सिरेन, इजिप्ट, एपिरस या सीरिया। आंसर कीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। सही आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर। इसका जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 2। ठीक है, इजिप्ट, मिस्र, इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर। इजिप्ट जो है, इजिप्ट के शासक थे आपके तोरामाया, जो कि अशोक के समकालीन थे। बी इज द करेक्ट आंसर, जिसका भी सही है 2+ करें और आगे बढ़े। अकुशान देवकुला वेर स्टैच्यूज ऑफ द रॉयल पर्सन वर केप्ट हैज बीन फाउंड एट, आई छत्र, चंपा, माल या शाहबाजगढ़ी। 15 सेकेंड आंसर दीजिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। कुशान देवकुला वेयर स्टैच्यूज ऑफ रॉयल पर्सन वर कैप्ट, कहां पे मिला है वो।
सो द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो सही आंसर है वो है आपका माला में। तो प्लीज इसको सब लोग याद रखें, माल। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये माल है कहाँ पे, इसकी लोकेशन क्या है, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए सब लोग कहाँ पे स्थित है। तो देखो माल, मल कहाँ पे है, ये आपका अफगानिस्तान में है। नोट इन द अफगानिस्तान, ये आपका मथुरा में है, सॉरी। ठीक है, दो देवकुल्ले मिले हैं आपको, एक तो मिला है मथुरा में इंडिया में, और दूसरा जो मिला है वो आपका अफगानिस्तान में मिला है। दूसरा कहाँ पे मिला है आपका, अफगानिस्तान में, एक मथुरा में मिला है आपका और एक आपका अफगानिस्तान में मिला है। तो इसको भी सब लोग याद रखिए और भूलना नहीं है, एवरीवन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, एक तो मिला है माल में, एक मिला है आपका अफगानिस्तान में, एक तो माल में मिला है और दूसरा आपका कहाँ पे मिला है, अफगानिस्तान में। सुरखा कोटल, अफगानिस्तान में एक जगह है आपकी सुरखा कोटल, वहां से ही मिला है। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनलैंड मार्केट इन द दक्षिणा पथ एज मेंशन बाय द पेरिप्लस ऑफ द इथीरियन सी। एथीरियन सागर के पेरिप्लस जो आपको एक बुक है आपकी, उसमें दक्षिण पथ के जो अंतरदेशीय बाजारों का वर्णन मिलता है, कौन कौन से का मिलता है, अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा, कल्याण एंड कान्हेरी, नासिक एंड जुनार, प्रतिष्ठान एंड तागरी। पंद्रह सेकेंड आंसर दीजिए सब लोग जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनलैंड मार्केट्स इन द दक्षिणा पथा एज मेंशन बाय द पेरिप्लस ऑफ द इथीरियन सी, 1, 2, 3 या 4। सो इसका जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका 4। ठीक है, प्रतिष्ठान और तादार। सो 4 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, इसको आप ठीक कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट अजंता पेंटिंग इज फाउंड इन केव नंबर 1 एंड 2, केव नंबर 9, केव नंबर 16 एंड 17, केव नंबर 19। बताइए अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें सबसे पुरानी पेंटिंग कौन सी गुफा में मिलती है आपको। द अर्लीस्ट अजंता पेंटिंग इज फाउंड इन केव नंबर 1 एंड 2, केव नंबर 9, केव नंबर 16 एंड 17, केव नंबर 19। सो आंसर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है आपका 2। ठीक है, केव नंबर 9। तो प्लीज इसको सब लोग याद रखिएगा। एक चीज और याद रखनी है गाइस कि
यहाँ पे जो अजंता केव्स है ये आपकी यूनेस्को की भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रिसर्च वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको जरूर याद रखना। उसके बाद में यहाँ की जो इंस्क्रिप्शन है गाइस वो जेम्स प्रिंसेप्स के द्वारा डेसिफर किए गए थे, ये भी याद रखना है। जेम्स प्रिंसेप्स के द्वारा यहाँ के जो अभिलेख हैं उनको डेसिफर किया गया था, यानी उनको पढ़ा गया था गाइस, है ना। अब देखो यहाँ पे जो केव है ना, केव नंबर 9, ये आपका 5th सेंचुरी का माना जाता है और ये ओल्डेस्ट चेत्यास है आपका, ओल्डेस्ट, ठीक है। तो प्लीज ये सबको याद रखें। उसके बाद में सॉरी ये 5th सेंचुरी का नहीं है, ये 1st सेंचुरी BCE का है, तो प्लीज इसको करेक्ट कर ले, है ना। और 5th सेंचुरी में इसके कुछ और रिपेंटिंग की गई थी। उसके बाद एक है आपका केव नंबर 1, केव नंबर 2 और आपका केव नंबर 16, है ना। ये इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, फिर आराम से इनको पढ़ लेना घर पे बैठ के। मैं दोबारा से कर रहा हूँ, आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेते जाओ, केव नंबर 1 का, केव नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, फिर 9 का ले लीजिए, फिर आप 16 का ले लीजिए, फिर 17 का ले लीजिए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, दक्षिणापथ रूलर ऑफ द अर्ली गुप्ता इज देयर किंगडम्स, दमाना, इरंडापाला, हस्तिवर्मन वेंगी, मंता राजा पालाका, नील राजा एवं मुक्त। करेक्ट आंसर बताओ। करेक्ट आंसर बताइए सब लोग जल्दी से। आंसर कीजिए फटाफट से सब लोग इसका, 15 सेकंड का आपके पास में, 15 सेकंड में आंसर करना है जल्दी से। वन टू थ्री या फोर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है, 3 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे देखिए नोट करेक्ट, तो यहां पे मंत्राज पालाकड़ दिया हुआ है, लेकिन मंत्राज है वो कहां के हैं, काउराला, थर्ड ऑप्शन को देखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। इसमें गलत वाला आपको पहचानना था, तो तीसरा वाला है वो आपका क्या है, गलत है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महेंद्र कौशल के हैं, व्याग राजा है, महाकांत्रा का है, मंत्र राजा कोराला का है, महेंद्र गिरी है, पिष्टपुर के हैं, ऐसे आपको सारे के सारे क्या दिए हुए हैं, राजा और उनका उनका एरिया दिया है गाइस, यानी उनके किंगडम्स दिए हैं। तो यहाँ पे 12 किंग्स आपके दक्षिण पथ के उनका एरिया दिया है, दक्षिणा पथ और उनका एरिया आपका यहां पे दिया हुआ है, तो प्लीज इसको सब याद रखिए और भूलना नहीं है गाइस। सो द करेक्ट आंसर इज 3, 3 इज द करेक्ट आंसर। और जिसका भी सही है वो 2+ अपने स्कोर में कर सकते हैं गाइस।
चलो बाकी जो क्वेश्चंस हैं गाइज वो हम कल करेंगे, और आज के लिए इतना ही है। और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो एक बार आप सब लोग इसको लाइक कर दीजिए एवरीवन, और एक बार आप सब लोग इसको शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्लास के बाद मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। उसके बाद में गाइज आपका एक नया बैच है क्रैश कोर्स, हम हिस्ट्री का एक रिवीजन कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, रिवीजन कोर्स जिसमें आपका एंटायर हिस्ट्री का हम रिवीजन करेंगे। टॉपिक्स की लिस्ट आपको दे दी जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें यहाँ से कवर करने हैं, ठीक है। तो उसकी लिस्ट के अनुसार जितने भी टॉपिक्स हैं उनके नोट्स और उनको रिवाइज करेंगे हम सब लोग। इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आइकॉनिक में ज़्यादा फायदा है क्योंकि पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन आपको यहाँ से करवाई जाएंगी। प्लस के प्लान आपके सामने हैं, 24 मंथ का है, 20,000 का, लेकिन जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे शिव 10, तो आपकी फ़ीस हो जाएगी 18,000। उसके बाद में आइकॉनिक भी ज्वाइन कर सकते हैं, 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, यहाँ पे भी आप रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तुरंत आपका 10% यहाँ से भी कम हो जाएगा। उसके बाद में ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको प्लस एंड आइकॉनिक में मिलते हैं। फ़ायदा किस में, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, आइकॉनिक में ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ में ही आपको जो बैच कोर्सेज हैं गाइज वो भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं 25 अगस्त से, तो कल से आपके नए बैचेस हैं। हर वेडनेसडे को नया बैच आपके लिए शुरू होता है, तो ये भी आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में आपका मेगा ऑफर चल रहा है 6+2 एंड 12+2, यानी 6 मंथ के साथ पे 2 मंथ का आपको एक्स्ट्रा मिलता है एंड 12 मंथ के साथ में भी 2 मंथ का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और ये ऑफर आपका 31 अगस्त तक है। तो 31 अगस्त से पहले पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं गाइस। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं कि आपको ये इसमें प्रॉब्लम है या फलाना कंटेंट आपको इन अप्रोप्रिएट लगता है। स्पेशल क्लासेस गाइस, कल आपका स्पेशल क्लास फेस्टिवल है तो स्पेशल क्लासेस जरूर लीजिए। कल आपकी जो स्पेशल क्लास होगी वो 7:30 बजे होगी, 7:30 AM पे, जिसमें हम करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर में हम क्या करेंगे, पेंटिंग्स करेंगे और आर्किटेक्चर्स करेंगे। पेंटिंग्स एंड आर्किटेक्चर है उसको मैं आपको करवाऊंगा 7:30 वाली क्लास में। पेपर वन की जो क्लास होगी कल, वो 2 क्लासें हैं आपकी, 4 PM पे भी हैं और आपका 9 PM पे भी है। इन दोनों क्लासेस को भी आप सब लोग लीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट इससे मिलेगा। स्पेशल क्लासेस में आपकी इंटरेक्टिव लाइव सेशंस होते हैं, पोल्स फॉर द लर्नर्स मिलता है, रेजा हैंड फीचर है, ठीक है। आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स के नोट्स मिलेंगे आपको, रिकॉर्डेड सेशन भी आप देख सकते हैं। ये मेरा शेड्यूल है जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अनलॉक कोड है मेरा शिव 10, इस कोड को अप्लाई करके आप जितनी भी क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं। और ये प्रोफाइल है अनअकैडमी का, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। उसके बाद में आज के लिए इतना ही है। तो गाइज थैंक यू सो मच एवरीवन, सेशन पसंद आया तो एक बार आप सब लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेगा।